And so we're not about making the cheapest. For us, what we've seen is there's enough people in every country in the world that we play in that we can have a really good business by selling the best phone. पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज की तरह ही एप्पल ब्रांड हमारी कंट्री में भी काफी फेमस है, बट इतना फेमस ब्रांड होने के बाद भी एप्पल इंडिया में ग्रो करने के लिए काफी चैलेंजेस फेस करता है। बिकॉज एप्पल के प्लान्स के अकॉर्डिंग एप्पल हमारी कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स के सेल्स को 2015 में 1 बिलियन से लेकर 2020 में 5 बिलियन तक इंक्रीज करना चाहता था, बट ऐसा नहीं हो सका। एंड 2018 में एप्पल अपने 4 बिलियन रेवेन्यू टारगेट को हमारी कंट्री में अचीव नहीं कर सका, और 2018 में 4 बिलियन की जगह एप्पल ने इंडिया में ओनली $1.8 बिलियन का ही रेवेन्यू जनरेट किया। बट इस तरह के बड़े ब्रांड के फेलियर का ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइजेस के अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं? वेल, एप्पल के लिए इंडियन मार्केट में अपनी इमेज बनाना हमेशा से ही चैलेंजिंग रहा है, चाहे वो आईफोन प्रोडक्ट्स हों या फिर एप्पल कंप्यूटर्स या फिर एप्पल लैपटॉप्स। बट ऐसा क्यों? किसी प्रोडक्ट के सक्सेस या फिर फेलियर का फर्स्ट फैक्टर उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता है, जो एप्पल जैसे एक्सपेंसिव ब्रांड के लिए काफ़ी ऑब्वियस है। बट अमेरिका में $799 में मिलने वाला आईफोन 12 हमारी कंट्री में 20,339.18 रुपीज़ महंगा क्यों बेचा जाता है? वेल, इसका रीज़न है दूसरी कंट्री से आने वाले प्रोडक्ट्स पर लगाए जाने वाला 20% टैरिफ, जो किसी भी अदर कंट्री के अफोर्डेबल प्रोडक्ट को हमारी कंट्री के कंज्यूमर्स के लिए ऑलरेडी एक्सपेंसिव बनाने के बाद और भी लेस अफोर्डेबल बना देता है। इस तरह के एक्सपेंसिव आईफोन प्रोडक्ट के प्राइजेस के बाद हम सभी इंडियंस के पास कंट्री में ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट्स में से ही किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को चूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री में मौजूद 95% स्मार्टफोन्स ऑलरेडी $500 से भी कम प्राइजेस में अवेलेबल हैं। इस तरह का प्राइस गैप किसी भी एक्सपेंसिव ब्रांड के प्रोडक्ट्स को प्रीमियम कैटेगरी की जगह अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट बना देता है। इनफैक्ट इस तरह के इंक्रीज होते फ्लैगशिप आईफोन्स के प्राइजेस के कारण ही इंडिया में ग्रे मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। जैसे कि एप्पल प्रोडक्ट सस्ते प्राइजेस में परचेज करने के लिए लोग अदर कंट्रीज जैसे कि गल्फ कंट्रीज जाना प्रीफर करते हैं, सो दैट वो किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को फेयर एंड अफोर्डेबल प्राइस में परचेज कर सकें। एंड इस तरह के किसी प्रोडक्ट को ट्रैवल करके परचेज करना एक्चुअली में इंडिया में सेम प्रोडक्ट को परचेज करने से काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। इनफैक्ट 2018 में एक इंडियन को एयरपोर्ट पर 100 आईफोन एक्स मॉडल के साथ अरेस्ट किया गया था, जो दुबई से इन सभी आईफोन्स को इंडिया में बेचने के लिए ला रहे थे, जिसकी टोटल वैल्यू अराउंड $120,000 थी। इस तरह के चैलेंजेस को देखकर और अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए ही टिम कुक 2016 में हमारी कंट्री में भी आए थे, ताकि वो एप्पल प्रोडक्ट्स पर लगाए जाने वाले 20% टैक्स को रिड्यूस करवा सकें। बट इस तरह के एफर्ट्स के बाद भी एप्पल अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सका। इनफैक्ट हमारे गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल बनाने की जगह ऐसे प्रोडक्ट्स को हमारी कंट्री में परचेज करना और भी मुश्किल बना दिया। एक और चैलेंज जो इस तरह के हाई प्राइजेस को अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं बनाता, वो है हमारी कंट्री की एवरेज ईयरली सैलरी $2,000, जो ऑब्वियसली इस तरह के एक्सपेंसिव नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए काफ़ी कम है। हालांकि हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर USD टू INR की कन्वर्जन रेट से काफ़ी ज़्यादा है, बट इसके बावजूद भी एप्पल के अलावा एक डिसेंट स्मार्टफोन परचेज करना हमारी कंट्री में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इवन ईयर 2019 तक हमारी कंट्री में ओनली 25% पॉपुलेशन के पास ही स्मार्टफोन मौजूद था। एंड इस तरह के लो परसेंटेज पर फोकस करते हुए ही एप्पल इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहता था, जो एप्पल के प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं हो सका। बट नाउ ये परसेंटेज वर्क फ्रॉम होम एंड स्टडी फ्रॉम होम के कारण इंक्रीज जरूर हुआ है, बट इस तरह की ज़रूरतों को पाने के लिए हमारी कंट्री ने बहुत परेशानियां भी फेस करी हैं। राइट नाउ ओनली 1% इंडियन पॉपुलेशन ही एप्पल प्रोडक्ट्स की लग्जरी इंजॉय कर रही है, जो ईयर 2017 के 2% से काफ़ी कम हो गया है। बट मे बी एप्पल की परेशानियां यहीं ख़त्म नहीं हुई। एप्पल इंडिया टीम में मौजूद एम्प्लॉयज में काफ़ी कमियां देखी गई हैं, बिकॉज ईयर 2018 में ही एप्पल इंडिया की टीम से 3 एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ ने अपनी पोजीशन लीव कर दी। साथ ही द चीफ ऑफ नेशनल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ने भी एप्पल इंडिया के ड्रीम को सच होने से पहले टूटते देख अपनी टीम को लीव करने का डिसाइड किया, जिसके बाद द हेड ऑफ कॉमर्शियल चैनल्स मेन मार्केट बिजनेस एंड द हेड ऑफ टेलीकॉम कैरियर सेल्स ने भी ऐसा ही किया। सो टीम से इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के जाने के बाद एप्पल को अपनी इंडियन एम्प्लॉयज़ की टीम को फिर से बनाना पड़ा, जिसका रिजल्ट इम्पोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैरिफ टैक्स के कारण देखना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल हो गया।
एंड इस तरह के चैलेंज को अपने फेवर में चेंज करने के लिए एप्पल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, बिकॉज हमारी कंट्री लेट ही जरूर बट ऐसे एफर्ट्स पर वर्क कर रही है जो फॉरेन कंपनीज को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लगाने के लिए फोर्स करे, ताकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिले और कंट्री की इकोनॉमी को इंक्रीज किया जा सके। एंड भले ही ये स्ट्रेटजी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट इस तरह के बिजनेस मॉडल्स के कारण ही हमारी कंट्री को बेनिफिट जरूर हुआ है, जिसकी वजह से सैमसंग और शाओमी जैसे ब्रांड्स ने हमारी कंट्री में अपने फैक्ट्रीज को सेटअप किया, जिसे देख एप्पल ने भी ऐसा करने का डिसाइड किया, बट खुद नहीं, बिकॉज एप्पल ने आईफोन SE और आईफोन 6S को इंडिया में असेंबल करने के लिए एक ताइवानीज मैन्युफैक्चरर की मदद ली जो इंडिया में इन दोनों मॉडल्स को असेंबल करे। काश एप्पल ने ऐसा ही आईफोन XS और आईफोन XR के लिए भी किया होता, बट नाउ एप्पल ने फाइनली आईफोन 12 को भी इंडिया में असेंबल करने के लिए सेम ताइवानीज कंपनी को अप्रोच किया है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सदर्न तमिलनाडु में मौजूद है। लेट्स होप कि आने वाले टाइम में न्यू आईफोन्स के साथ न्यू एप्पल प्रोडक्ट्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, सो दैट ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट अफोर्ड करना सभी के लिए पॉसिबल हो सके। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होने में अभी काफ़ी टाइम है, जिसके लिए हम सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑल्सो आप ये वीडियो कौन से मोबाइल ब्रांड पर देख रहे हो, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ऑल्सो क्या आपको पता है कि हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा कौन सा मोबाइल ब्रांड प्रीफर किया जाता है, सैमसंग या फिर शाओमी? 2019 तक इस क्वेश्चन का आंसर इतना ज़्यादा ऑब्वियस नहीं था, बट नाउ शाओमी स्मार्टफोन ही हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मोबाइल ब्रांड बन गया है, जिसके बाद आता है सैमसंग जो 31% स्मार्टफोन मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, बिकॉज शाओमी से पहले सैमसंग ही ऐसे स्मार्टफोन्स बनाता था जो इंडियन पॉपुलेशन के लिए अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स थे, बट नाउ ये डिमांड शाओमी रेडमी 5A जैसे स्मार्टफोन्स पूरे कर रहे हैं जो ओनली $100 में अवेलेबल है, जो ऑल इंडियंस के स्मार्टफोन बजट 10,000 रुपीज़ के अंडर काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है, जो एक आईफोन XS के प्राइस का 14% है, जो अनफॉर्चुनेटली आईफोन के लोएस्ट प्राइस पॉइंट वाले मॉडल SE से भी 50% लेस एक्सपेंसिव है। इसलिए यदि एप्पल अभी भी इंडिया में अपनी ब्रांडिंग और यूजर्स के नंबर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, तो एप्पल को अपने फोन्स को और भी अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा, जो एप्पल शायद ही ऐसा करना कंसीडर करे। बट एप्पल ने रिसेंटली में एक अच्छा स्टेप लेते हुए अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जरूर इम्प्रूव किया है, बिकॉज पहले एप्पल के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एप्पल वेबसाइट से परचेज करना पॉसिबल नहीं था, और यूजर्स को कोई भी एप्पल प्रोडक्ट परचेज करने के लिए एप्पल ऑथराइज रीसेलर्स को कॉन्टेक्ट करना पड़ता था, जिसका फीचर एप्पल वेबसाइट पर वेयर टू बाय ऑप्शन में अवेलेबल था, जो एप्पल के पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, बिकॉज पहले हमारी कंट्री में एप्पल का कोई भी एप्पल स्टोर मौजूद नहीं था और ना ही कोई रिटेलर या फिर ऑनलाइन स्टोर। इसलिए यदि कोई इंडिविजुअल एप्पल प्रोडक्ट परचेज करना चाहता था तो उन्हें एप्पल के ऑथराइज रीसेलर्स को कॉन्टैक्ट करना ही पड़ता था, जो किसी एप्पल प्रोडक्ट के ऑफिशियल स्टोर से परचेज करने के ऑप्शंस को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। एंड इस तरह की प्रॉब्लम एप्पल ने ऑलरेडी मैकिंटॉश के समय भी फेस की थी, जो अमेरिका में ऐसे कंप्यूटर स्टोर्स पर सेल किया जाता था जहां पर काम करने वाले एम्प्लॉयज एप्पल प्रोडक्ट्स के फीचर्स के बारे में ना के बराबर ही जानते थे, जो किसी ब्रांड के ऑफिशियल स्टोर की इंपॉर्टेंस को सिग्निफाई करता है। एंड इस तरह के इशू को सून रियलाइज करते ही स्टीव जॉब्स ने अमेरिका में वेरियस एप्पल स्टोर्स बनवाए, जहां काम करने वाले एप्पल एम्प्लॉयज थे जिन्हें एप्पल प्रोडक्ट्स के सभी फीचर्स की इंफॉर्मेशन थी, जो कस्टमर को अच्छे से प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर पाते थे। सो नाउ एप्पल ने इंडिया में सेल करने वाले ऑथराइज रिटेलर्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज को एप्पल प्रोडक्ट्स के फीचर्स और नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है, ताकि वो एम्प्लॉयज एप्पल प्रोडक्ट्स की सेल्स को इंक्रीज ना सही बट कॉन्स्टेंट रखने में हेल्प कर सकें। बट अभी भी ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जो इस तरह के रिटेलर्स एप्पल स्टोर की जगह प्रोवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि आईफोन बैटरी रिप्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में आईफोन यूजर्स वारंटी के अकॉर्डिंग अपने फ़ोन की बैटरी को रिप्लेस करवा सकते हैं, जो क्लियरली एप्पल वेबसाइट पर मेंशन किया गया है, जो US या फिर किसी दूसरी कंट्री में कुछ मिनटों में ही रिप्लेस कर दिया जाता है। बट हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, बिकॉज इस तरह के छोटे से काम के लिए भी इंडिया में आईफोन यूजर्स को घंटों तक सर्विस सेंटर के बाहर वेट करना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें ये सुनने को मिलता है कि उनके आईफोन की बैटरी वारंटी के अंडर नहीं आती। एंड इस तरह से कस्टमर्स को मिसगाइड किया जाता है जब तक वो किसी जेन्युइन तरह से वर्क करने वाले सर्विस सेंटर को अप्रोच नहीं करते, जो अगेन ऑफिशियल एप्पल स्टोर्स का हमारी कंट्री में होने की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। एंड इस तरह की पुअर कस्टमर सर्विस एप्पल ब्रांड का इंडिया में सक्सेसफुल ना हो पाने का एक और रीज़न देता है, एंड सरप्राइजिंगली हमारी कंट्री के ऑफिशियल्स ऐसा ही चाहते हैं,
बिकॉज एप्पल, सैमसंग या फिर शाओमी की तरह हमारी कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करने से हमारी कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए ऑफिशियल्स नहीं चाहते कि कोई ऐसा ब्रांड हमारी कंट्री में सक्सेसफुल बने जो इंडिया को सपोर्ट नहीं करता, जिसकी अल्टीमेट परेशानी कस्टमर्स को ही फेस करनी पड़ती है। बट यदि एप्पल इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना भी दे तो भी एप्पल को काफ़ी परेशानियाँ फेस करनी होंगी। जैसे कि ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग किसी भी फॉरेनर ब्रांड को इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए 30% प्रोडक्ट का मटेरियल इंडियन वेंडर से परचेज करना होता है। बट एप्पल ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज एप्पल अपने प्रोडक्ट्स का मटेरियल एशिया की डिफरेंट कंट्रीज में बनवाता है, जो एप्पल के लिए एक और ऑब्स्टिकल है। और यदि एप्पल किसी भी तरह ऐसे इश्यूज रिजॉल्व कर भी लेता है तो भी एप्पल के पास अपने प्रोडक्ट्स को इंडियंस के लिए अफोर्डेबल बनाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो आपका क्या ओपिनियन है? यदि आपको कल कोई एप्पल प्रोडक्ट लेना होगा तो क्या आप उस प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में परचेज करेंगे या फिर सेम प्रोडक्ट को दुबई जैसी सिटीज को विजिट करते हुए परचेज करेंगे, जो एट द एंड आपको इंडिया में परचेज करने से ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ेगा? सो आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।